Hello students, in exam season, good wishes for your exams. And now, for your exams, some tips from my side as my blessings, the techniques which you should follow for better performance. One thing, tomorrow you are going to write question paper according to the changed pattern. So this time the most important thing is time management. Notice how many total questions you have to do. Don't run over all the pages for the questions because you know the answer. No, leave this temptation. अगर आपको आता है तो पेन लेके सारी शीट्स पे नहीं भागना because less time is there. So manage your time and only write your best answers. Questions को दोबारा लिख के repeat ना करें. Only answers but राइट आंसर किस सेक्शन से किस पार्ट से ले रहे हैं. अवेलेबल लेस टाइम में बेस्ट परफॉर्म करना है. टाइम मैनेजमेंट करते समय मोल भाव कीजिए, बार्गेन कीजिए. लेंथ चेक करें आंसर की, मार्क्स के अकॉर्डिंग देनी आपने. 2 मार्क्स वाले को 2-3 लाइन से सफिशिएंट है. 2-3 पेजेस उसके लिए मत भरिए. जिसकी जितनी कीमत है उसके ऊपर उतना ही टाइम और एनर्जी स्पेंड कीजिए. आपको आता है वो मैटर नहीं करता, पूछा क्या जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, दैट मैटर्स. और जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो करेक्ट एड्रेस लिखें. इस क्वेश्चन के ऊपर करेक्ट आंसर से मेरा मीनिंग है पोइट और पोइम को उनके घर के अंदर ही रखें. करेक्ट पोइम और करेक्ट पोइट लिखें, क्योंकि रॉन्ग पोइट और रॉन्ग पोइम लिखने से आपका पूरा आंसर क्रॉस हो सकता है. सो टेक्स्ट ऑफ ईच पोइम एंड द पोइट कीप इन योर माइंड. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते समय फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्पेलिंग्स. पूरे पेपर में ही इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्पेलिंग्स राइट हों, क्योंकि बहुत ही गलत इम्प्रेशन आता है. ऑथर जॉनर को पूरा अपने माइंड में रखें, ये क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लिटरेचर के लिए. मेन रिक्वायरमेंट्स स्पेलिंग्स ऑथर जॉनर को ध्यान में रखने के साथ ही ट्रैक पे रहें. आंसर में कॉन्टेंट डालें, हर आंसर में स्टोरी ना लिख दें. जो पूछा जा रहा है उसी पॉइंट पे रहें. जैसे अगर करेक्टर स्केच है तो वहाँ पे स्टोरी नहीं लिखिए. स्टोरी है तो उस कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही वी हैव टू राइट द होल इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द नॉवल और ड्रामा. क्लियर एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपना आंसर लिखें. पॉलिटिक्स ना करें, गंदी हैंडराइटिंग में खींच के आंसर्स को कंप्लीट करना. सेंटेंसेस को रिपीट ना करें. जो क्वेश्चन आंसर में दे रखा है बार बार उसको लिख के ना करें. लास्ट में एटीट्यूड से, व्हाट आई मीन बाय एटीट्यूड, कि आपकी मेहनत की खुशबू आपके आंसर शीट से आती है. योर हार्ड लेबर, योर स्पिरिट, योर सोल स्पीक्स द वे यू राइट, वेदर यू आर लाइकिंग इट और लविंग इट और जस्ट हेटिंग इट, यू गेट मार्क्स फॉर योर एटीट्यूड ऑल्सो. सो बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम. गुड लक.